ठीक है ना। मनदीप चाड़क कहाँ से आया? आला से। कोरोना की वजह से साल ख़राब हो गए तो बहुत देर बाद अपॉर्चुनिटी मिली खेलने के लिए। थोड़ा फिटनेस पे भी फ़र्क पड़ा लेकिन खेलने के बाद थोड़ा फिट हो गया फिर से। अब मैच हुआ है, जीते हैं और नेक्स्ट मैच की वेट कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है कोरोना के बाद मैच खेलने का फिर से मौका मिल रहा है। पहले तो गेम बंद हो गई थी बिल्कुल। मैं कुलदीप मंगोत्रा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वॉलीबॉल एसोसिएशन JNK एंड एसोसिएट सेक्रेटरी वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये जहां हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल चैम्पियनशिप करा रहे हैं बॉयज़ गर्ल्स की, जो 17 नवंबर से स्टार्ट हुई थी कल से और 19 तक चलेगी, 19 को इसका फाइनल होगा। इसमें 12 टीम बॉयज़ सेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं और चार गर्ल्स टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं। टोटल 16 टीम्स हैं। इनका नॉकआउट सिस्टम रखा है हमने। तो ये आफ्टर वेरी लॉन्ग अबाउट 8 महीने के बाद ड्यू टू COVID-19 की वजह से जो पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में महामारी पड़ी हुई है, तो इससे सारी एक्टिविटी सारी बंद हो गई थी क्योंकि फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। तो अब हमने डिसाइड किया कि कम से कम ये जो हमारी हम सोशल डिस्टेंस को भी जो गाइडलाइन है वो कवर करेंगे और हमारी वॉलीबॉल जो गेम है बिल्कुल एक साइड दो साइडों में खेली जाती है, सेंटर में नेट होता है, इसमें कोई क्लैशिंग का कोई वो नहीं आता, सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करेंगे। तो इसलिए हमने रखा है कि फिज़िकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे जो 8 महीने से बिल्कुल घरों में बैठे हुए हैं, स्कूल कॉलेज बंद हैं, तो बिल्कुल बेकार बैठे हुए हैं, तो उनका दूसरी तरफ ध्यान जाएगा ड्रग्स अब्यूज़ के साइड पर। तो इसलिए हमने ये सोचा कि एक उनकी ये एक्टिविटी गेम में होनी चाहिए, तो वो एक्टिविटी हमने स्टार्ट कराई है, ये सबसे पहले जम्मू डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल चैम्पियनशिप। तो ऐसे ही हमारे कठुए में भी हो रही है और रजौरी में भी होने जा रही है, तो श्रीनगर में भी तकरीबन वो काफ़ी डिस्ट्रिक्टों ने करा ली है। तो ऐसे हम सारे जो JNK के यूनियन टेरिटरी के डिस्ट्रिक्स हैं वो सारे अपनी अपनी जगह डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप कराएंगे। उसके बाद ये स्टेट चैम्पियनशिप कराएगी, हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक एक टीम बॉयज़ की, एक एक टीम गर्ल्स की आएगी, उसकी स्टेट चैम्पियनशिप। जो स्टेट चैम्पियनशिप होगी वो भी जम्मू में होगी। तो हमने ये सारा ये प्रोग्राम ये स्पोर्ट्स का अपनी वॉलीबॉल गेम के लिए रखा है ताकि यूथ जो है वो बिजी रहे। क्यों? फिजिकली फिट होगा, पढ़ाई में भी ठीक होगा, उसका दिमाग भी ठीक होगा, तो नेचुरली वो हर एक काम में फिट और फ्रेश दिखाई देगा। तो इसलिए हमने दूसरा, हमें स्पोर्ट्स काउंसिल ने भी एक विद द कलेबोरेशन ऑफ हमारे साथ ये वॉलीबॉल लीग शुरू करने हो रही है, उसमें भी ये सारे डिस्ट्रिक्ट लीग कम नॉकआउट होगा, अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में लीग कराएंगे और हर एक डिस्ट्रिक्ट की एक टीम जो इंटर प्रोविंस जम्मू प्रोविंस में 10 डिस्ट्रिक्टों में आपस में खेलेगी, उससे जो फर्स्ट 4 टीमें होंगी सेम प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा कश्मीर प्रोविंस में, उनसे भी जो 4 टीमें कश्मीर प्रोविंस से आई थी उनका जम्मू में ही फाइनल होगा। जो फर्स्ट सेकंड आएगी तो उनको 1,00,000 रुपया प्राइज़ भी रखा हुआ है। तो ये भी कम से कम एक महीना लीग चलेगी। तो जहाँ जो हम ये यूनिवर्सिटी में करा रहे हैं विद द कोलैबोरेशन ऑफ द डायरेक्टरेट स्पोर्ट्स एंड फिज़िकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की, उनकी उन्होंने हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, हम उनका थैंक्स करते हैं।
तो ख़ासकर जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर दाऊद इकबाल बाबा साहब, उनकी बड़ी हम थैंक्स करते हैं, उन्होंने ये हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया। तो ये हमारा सारा प्रोग्राम जो वॉलीबॉल की एक्टिविटी है, इसके अभी हमारा 21 नवंबर को फेडरेशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग हो रही है, उसमें ये कैलेंडर जो फेडरेशन का नेशनल का जो नेशनल होंगी मिनी सब जूनियर जूनियर सीनियर फेडरेशन कप, तो वो वहाँ फेडरेशन डिसाइड करगी। उसके बाद फिर इंडियन टीम के जो भी कैंप लगेंगे वो जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से लगते हैं, तो फिर ये नेचुरली जैसे लास्ट ईयर ओलंपिक होनी थी, तो ड्यू टू कोविड-19 महामारी जो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है उसकी वजह से ये बंद हो गया, इसीलिए जो वो पोस्टपोन किया है वो अब होगा अगस्त या जुलाई 2021 में नेक्स्ट ईयर में। तो इसलिए हम उसी की नीचे से ही मतलब ग्रास रूट से ही लेवल में हम तैयारी करेंगे, तहसील लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोविंस लेवल स्टेट लेवल, उसके बाद फेडरेशन नेशनल लेवल, उसके बाद ही जो बच्चे जो सिलेक्ट होंगे वो जाएंगे वो इंडियन कैंप में रहेंगे।